नमस्कार। आज के न्यूज़पेपर में आप में से कितने लोगों ने पढ़ा? आप लोग प्लीज अपने स्पीकर ऑफ करें, मैं अपना स्पीकर ऑन कर रहा हूं। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आप लोग थोड़ी देर के लिए अपने स्पीकर ऑफ करेंगे तो और क्लैरिटी से आवाज आएगी, ठीक है? आज का न्यूज़पेपर अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो उसमें लिखा है कि नशे का कारोबार हमारे हिमाचल में सिरमौर से लेकर हर जगह तक बहुत बुरी तरीके से फैल रहा है। वसीम जी, अपना स्पीकर ऑफ करें, आपकी आवाज आ रही है, डिस्टरबेंस हो रही है। नीचे नीचे जाएं, नीचे एक माइक जैसा बना होगा उस पर हाथ लगाएं तो क्रॉस आ जाएगा, ठीक है? ठीक है, देखें, आप लोग हमारे स्टाफ को पूरा डाटा दे देना कि आप लोग कितने ग्राम पंचायत हैं, हर ग्राम पंचायत में कितने गांव हैं, वार्ड हैं और एडल्ट पॉपुलेशन कितनी। और सबसे पहले आप वादा करें कि अगर आज मेरे को मान लो 100 लोग देख रहे हैं तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि अपने परिवार में ही 4 होंगे या पड़ोसी में 1 होगा, माता पिता 14 साल से एटलीस्ट ऊपर के बच्चे को वीडियो दिखाएं। आपसे मैं जितने मिनट 5-6 मिनट ही बात करूंगा, मगर उसमें इतनी इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताने जा रहा हूं जिससे कि आप अपने गांव के हीरो बन सकते हैं। हीरो बनने का मतलब वो फिल्मी वाला हीरो नहीं, जिस किसी के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। देखो कैसे, अगर मैं आपको बताऊं कि सेक्शन 46 एनडीपीएस एक्ट में, यानी कि जो नशे का एक्ट होता है, उसके तहत अगर आपके गांव में कहीं पर भी भांग उगा हो जो प्राकृतिक रूप से अपने आप उग जाता है, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है, भांग उखाड़ो अभियान चलाएं वक्त टू वक्त, नहीं तो 6 महीने की जेल बतौर प्रधान आपको हो सकती है, उप प्रधान आपको हो सकती है, या फिर केवल आपके घर में है और आप एक आम इंसान है तो भी आपको जेल हो सकती है। अब ये कानून लोगों को पता नहीं होता, इवन हम बताएं हमारे भी रेजिडेंस में ये उगा था और हम भी उसको टाइम टू टाइम उखड़वाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई मीडिया वाला फोटो खींच के भेज दे कि जज साहब के घर में ही है लगा हुआ और जज साहब दूसरों को बोलते हैं, तो हम जो पब्लिक सर्वेंट है हमारी ड्यूटी डबल हो जाती है। इसी तरीके से पंचायती राज एक्ट में आप भी तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, शायद आपको मालूम नहीं है, पंचायती राज एक्ट में आपको जजेस प्रोटेक्शन एक्ट, जो एक जज साहब को प्रोटेक्शन मिलती है कानून में, वो प्रोटेक्शन आपको है। जिस तरीके से हमारे पास कोई दो पार्टी मेयर एग्रीमेंट करके भी दावा डाल सकता है, क्या आपको पता है मेयर एग्रीमेंट करके, जी हाँ, कि हम दोनों ये एग्रीमेंट करते हैं, करारनामा करते हैं कि हम जो है पंचायत, इस पंचायत के आगे अपना केस लेके जाएंगे, तो आपको एंटरटेन करना पड़ेगा, वो बात अलग है। कई बार बहुत जटिल लगने लग जाता है कि ज्यूरिडिक्शन होने के बावजूद आपको लगता है ये केस तो थोड़ा जटिल है, तो आप हमारे को वापस कर सकते हैं, उस केस को फिर हम ही करेंगे। अदरवाइज जो पंचायती राज एक्ट में पीछे शेड्यूल बना हुआ है, इनके केसेस तो हम भी कॉग्निजेंस नहीं ले सकते, संज्ञान नहीं ले सकते। तो आपने देखा पिछले 1 मिनट में ही मैंने 3 कानून आपको बता दिए, एनडीपीएस एक्ट, पंचायती राज एक्ट, और इतनी इंपॉर्टेंट बातें बता दी कि आपको जजेस प्रोटेक्शन एक्ट का वो मिला हुआ है प्रोटेक्शन। हर पुलिस वाला ड्यूटी बाउंड है आपको असिस्ट करने के लिए और आपके आगे चलान पेश करने के लिए। और हम बतौर जज तो एविडेंस एक्ट यानी साक्ष्य अधिनियम और दंड प्रक्रिया को फॉलो करते हैं। क्या आपको मालूम है, आपको बतौर ग्राम पंच, बिल्कुल ये एक का स्पीकर ऑन है, जो ग्राम पंच लेडी दिख रहे हैं मेरे को, नाम नहीं उनका पढ़ा जा रहा, प्लीज अपना स्पीकर ऑफ कर लें। हाँ हाँ, आपका, थैंक यू, हाँ इसको ऑफ करें, धन्यवाद धन्यवाद। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि बातें को ध्यान से सुने, पुलिस वाले, हर पुलिस वाला ये ड्यूटी बाउंड है पंचायती राज एक्ट में कि वो आपको असिस्ट करे, और कोई भी आपकी जुरिडिक्शन में क्राइम होता है तो आप उनको बताएं आपके घर में भांग उगा हुआ है या आपके पंचायत की जुरिडिक्शन में, आपको उखाड़ना पड़ेगा, नहीं तो 6 महीने का जेल का प्रावधान है। आपके गाँव में कोई भी औरत, 18 साल से नीचे का बच्चा, कोई भी अनुसूचित जाति और जनजाति, कोई भी भूकंप या बाढ़ या कोरोना से तंग आदमी,
या जनरल कैटेगरी का कोई भी 3 लाख से कम कमाने वाला आदमी, यानी भारत के 80% लोग इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, उनको फ्री लीगल एड एंड सर्विस मिलता है। अब आपके गांव के लोग वसीम जी के आगे आके बोलेंगे, वसीम जी ये फ्री लीगल एड का मतलब क्या होता है, सर्विस होता क्या है, क्या केवल वकील साहब मिल जाएगा? पर वकील साहब तो फिर कागजों का खर्चा मांगते हैं, फिर न्यूज़पेपर का खर्चा मांगते हैं, तो इस तरीके से तो हमारा खर्चा तो आ ही जाएगा, हमें नहीं जाना कोर्ट में। तो आप वसीम जी और मुझे जितने भी पंचायत सुन रही है, आप उनको बताएं कि ऐसा नहीं है, फ्री लीगल एड का मतलब है वकील साहब भी मिलेंगे, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, प्लीडिंग तैयार करने का खर्चा, किसी को बुलाने का खर्चा, और उस पेपर की डिग्री को नहीं, अल्टीमेटली आपको वो प्रॉपर्टी आपकी वापस मिली कि नहीं वहां तक का खर्चा भी नहीं, अपील का खर्चा भी, यानी फाइनल कोर्ट तक आपको सब कुछ फ्री है। किसी भी वकील साहब को पैसा देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पैसा हम बतौर सेक्रेटरी डीएलएस से देते हैं, हाई कोर्ट में एसएलए से यानी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी देती है। तो आपने 3 कानून जान लिए, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अंदर फ्री लीगल एड के बारे में, एनडीपीएस एक्ट के बारे में सेक्शन 46 में आपकी ड्यूटी की भांग उखाड़ना है, आपने ये भी जान लिया कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में केवल पत्नी को प्रोटेक्शन नहीं है। अब वसीम जी बोलेंगे, सर हमारे आगे कई मर्द आते हैं और बोलते हैं आपके सारे भाषणों में आप ये बोल देते हो कि पत्नियों को प्रोटेक्शन है, पत्नियों को प्रोटेक्शन है, तो पति मतलब पति ने क्या गुनाह किया? वसीम जी मेरे माध्यम से आप और सारे पंचायत ये बताएं अपने लोगों को, कोई भी औरत अगर अपने पति को इस बात के लिए प्रताड़ित करती है कि आप अपने माँ बाप को छोड़ दो तभी मैं तेरे साथ रहूंगी, तो वो मानसिक उत्पीड़ना माना जाता है। नरेंद्र वर्सेस मीना, ये जजमेंट का नाम लिख लें, नरेंद्र वर्सेस मीना सुप्रीम कोर्ट, ये बहुत बेहतरीन जजमेंट, हमें पता ही नहीं होती है। नरेंद्र वर्सेस मीना में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो भी औरत अपने पति को इस बात को लेकर तंग करती है कि अपने पत्नी माँ बाप से अलग हो जाओ तभी मैं आपके साथ रहूंगी, तो उसको मुआवजा भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर पति गलत है, पति शराबी है, किसी दूसरी औरत को ले आता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, एक डिग्निफाइड मॉडर्न औरत दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती अगर उसका स्टेटस के बगैर वो अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा पहली पत्नी की और दूसरी पत्नी ले आए, तो कोई भी धर्म का हो, ऐसे पत्नी को अलग रहकर भी मुआवजे का अधिकार है। फिर आपको पूछा जाता है बच्चा किसके पास जाएगा, तो मैं आपको बता दूं, ऑर्डिनरली 5 साल तक बच्चा माँ का हक होता है, उसके बाद अल्टीमेटली बच्चे का वेलफेयर कहां पर है, माँ बाप के साथ है। अगर माँ बाप दोनों ही बच्चे को मेंटल क्रूएल फिजिकल क्रूएल्टी देते हैं तो फिर दोनों से अलग कर दिया जाता है। यानी कि आपने गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के बारे में जाना, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, पंचायती राज एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, आपने देखा मात्र अभी 5 मिनट भी नहीं हुए हम लोगों को मिले और भारत के इतने इंपॉर्टेंट कानून, फिर आपके गांव में कोई पागल सा लग रहा है जिसको पागल बोलते थे हम लोग, नहीं उसको मानसिक रोग बोलते हैं। अगर कोई संजोग मूवी के उसकी तरह, जयाप्रदा की तरह, या फिर खिलौना मूवी के संजीव कुमार की तरह, या फिर अगर आप देखें तेरे नाम के सलमान खान की तरह, कोई भी इस तरह का, मैं आपको चित्रपट का यानी फिल्मी बात से आपको समझाना चाहता हूं ताकि आप आराम से समझे। गुजारिश में जिस तरीके से आपने ऋतिक रोशन को देखा, आपने खामोशी मूवी में मनीषा कोइराला को और उसके माँ बाप को देखा, हमारे आसपास भी इस तरीके से कई, कोई मानसिक तौर पर अपंग है, कोई शारीरिक तौर पर अपंग, तो मैं आपको बता दूं पूरा इलाज फ्री है इस देश में, इससे सुंदर देश और कानून आपको नहीं मिलेगा। डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में स्पेशली एबल्ड बोला जाता है, किसी को विकलांग बोलना भी ह्यूमिलिएटिंग माना गया है। आपको पता है एक जो करेंसी नोट होता है ना, करेंसी नोट, उसमें भी सरकार को इस तरीके के इंक लगाने पड़ते हैं कि एक ब्रायन, जिसको ब्रायन लिपि बोलते हैं, एक ब्लाइंड आदमी भी उसको ऐसे करके पढ़ सके। अगर सरकार इसका ध्यान नहीं रखती और नोट बना देती है तो आपको पता है सरकार को वापस लेना पड़ता है वो नोट। हमारी बिल्डिंग, एडीआर की बिल्डिंग या कोर्ट कॉम्प्लेक्स में कोई विकलांग आता है और हमारे उधर सीढ़ी केवल बनी हुई है, तो आपको पता है ये हमारी ड्यूटी है कि वहां हम उनको एस्केलेटर दें या लिफ्ट दें, ये उसका अधिकार है, नहीं तो ये मेरे पर दंड होगा। इसी तरीके से कोई भी आस्था होम है या चिल्ड्रन होम है,
वहां पर कोई मानसिक तौर पे बीमार है, कोई जेल में मानसिक तौर पे बीमार है, तो ये भी ड्यूटी जेल मैनुअल के हिसाब से, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के हिसाब से ये सरकार की ड्यूटी है। आपने कुछ नहीं करना, आप बतौर पंचायत इतने सारे धाराएं सेक्शन नहीं याद रख सकते, एक काम तो कर सकते हो ना, सेक्रेटरी डीएलएसए सिरमौर को चिट्ठी तो लिख सकते हो ना, आपका नाम भी लीक नहीं किया जाएगा ताकि आपके ऊपर कोई आरोप ना लगे कि आपने बेइज्जती करवा दी, आपके यहाँ कोई चाइल्ड विक्टिम है, किसी के साथ कोई शोषण हुआ है, कोई उसका रेप करता है और उसको मुआवजा नहीं मिला, और कई ऐसे प्रॉब्लम आपको आएंगी कि सर हमारे को मार के एक आदमी अंधेरे में चले गया, मेरा तो दांत टूटने का 25,000 रुपए का खर्चा आ गया, अंधेरे में वो भाग गया, मैंने देखा भी नहीं। अगर ये केस सच्चा पाया गया तो आपको 25,000 रुपए का मुआवजा मैं बतौर सेक्रेटरी आपके अकाउंट में डालूंगा, आपका अकाउंट नहीं होगा तो अकाउंट भी खुलवा के दूंगा। ये सारी बातें हिमाचल प्रदेश विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम 2019 और नालसा की स्कीम में लिखा हुआ है, यानी कि 100 करोड़ का बजट 13 फाइनेंस कमीशन में नालसा को जो मिला है वो तब तक ही आप तक पहुंचेगा जब तक आप लीगली अवेयर होंगे। और इसी मकसद से ऑनरेबल लॉ मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट थ्रू नालसा ने ये 45 दिन का प्रोग्राम, और वसीम जी और जितने भी ग्राम प्रधान मुझे सुन रहे हैं, क्या आपको मालूम है 45 दिन में 545 गांव को 3 बार कवर करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा अगर आप मुझे कोऑपरेट नहीं करेंगे। ठीक सुना आपने, 45 दिन में 545 गांव को 3 बार कवर करना है, जो हमारे बसों से भी हमारे इंफॉर्मेशन वाउचर जा रहे हैं, आईईसी मटेरियल जा रहा है, उनको हमने डाकियों को ट्रेन कर दिया, पैरालीगल वॉलेंटियर्स को, रिमांड काउंसिल को, पैनल लॉयर्स को, सबको ट्रेनिंग दे दे के हम आपके गांव तक भेज रहे हैं। हम अस्पताल में 100 करोड़ वैक्सीनेशन पा चुके हैं, और आपने देखा होगा कई लोग कहते हैं नपुंसक बन जाएंगे, वैक्सीनेशन नहीं लगाना है। वसीम जी, ये जो चीजें फैल रही हैं, इन सब चीजों के लिए आप जैसे पढ़े लिखे सक्षम लोग लोगों की गलतफहमियां दूर करें कि हमारा देश पूरे वर्ल्ड में सबसे सुंदर देश है, जहां पर आप किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी चीज के हो, 25 साल आगे हम अपने देश को विश्व गुरु बनने देखना चाहते हैं, वो आपकी पार्टिसिपेशन के बगैर पॉसिबल नहीं होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अगर बोलता रहा तो खत्म ही नहीं होगा लीगल अवेयरनेस पर, आप लोगों के कुछ प्रश्न ले सकता हूं अगले 5 मिनट जरूर, प्लीज आप बोल सकते हैं।